अभी तो मुझे आनंद की टेंशन हो रही है। बहुत सीधी है फिजा, और उसके ससुराल वाले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, वो हैंडल कर लेंगे। मैं अगर तुम माय बिजनेस पार्टनर मिस्टर आबिद, दिस इज योर वाइफ। कभी कभी इंसान एक अजनबी के साथ बहुत खुश रह लेता है, और कभी कभी जान पहचान वाले भी दिल तोड़ देते। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बेटे अध्याय में सीरियल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है, उसमें काफी ज्यादा ट्विस्ट आ रहा है। दोस्तों जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि फिजा की बहन अनम की शादी हो जाती है, बहुत खुशी खुशी हम सब बहुत अच्छी तरह शादी मना लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि आयजा अपनी फिजा बहन से बात कर रही होती है कि अनम बहुत सीधी सादी है, लेकिन उसके खानदान वाले जो है, जो होने वाले शोहर है, उनके खानदान वाले काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे बहुत लग रहा है कि वो एडजस्ट कर भी पाएगी कि नहीं। दोस्तों अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि अनम की जो सास है वो उसके साथ काफी ज्यादा रूड बिहेवियर शो करती है। तो अगली सीन में हमें दिखाया जाएगा कि आयदा अपनी छोटी बहन हानिया से कह रही होगी कि अब तुम फारिस से शादी कर लो, लेकिन इस बात पर फिजा राजी नहीं होगी। वो कहेगी हम दोनों के फैमिलीज के दरमियान क्लास डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो अगली सीन में हमें दिखाया जाएगा कि फारिस और दानिश एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, और फारिस दानिश को बता रहा होगा कि मैं अपनी मामा को मना लूंगा किसी तरह, मगर अब हमारी जो भाभी फिजा है वो नहीं मान रही इस रास्ते पे। दोस्तों ड्रामा सीरियल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।